इक्वालिटी। अरे लड़का लड़की का एक साथ रहने का फैशन पुराना हो गया है क्या? अरे जरा अपने इतिहास उठाकर देख लो, आयुर्वेद का ना सूत्र में देखो, लियोनार्डो दा विंची, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन का टोबी मैग्वायर, ये सारे लोग ना होमोसेक्सुअल थे। इनके बारे में पढ़ो तब तुम्हें पता लग जाएगा कि समय कितना आज का विषय ना कल का। ए विषय जब मर्जी का हो, हमारा देश एक संविधान शासित देश है। आर्टिकल 377 नहीं पढ़ा क्या? आर्टिकल 377 ऐसे नाजायज रिश्तों को इल्लीगल मानता है। इल्लीगल इल्लीगल अच्छा आर्टिकल 40 राइट टू इक्वालिटी जो कहता है कि संविधान के समक्ष सभी बराबर हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जेंडर और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मत बन, मेरी सोच के बाहर है और सृष्टि के नियमों के उलट। अरे जैसे हम सब सृष्टि का हिस्सा है, वैसे ही तो बहुत भी सृष्टि का हिस्सा है। जैसे माँ की गर्भ से सब आए हैं, वैसे ही तो माँ की गर्भ से वो आए हैं जिसने सही तरह की बात कहा है। मैं नहीं मानता, क्योंकि जो नियम कायदे कानून समय ने बनाए हैं मैं उन्हें ही सही मानूंगा। मैं समय हूँ। नियम कायदे कानून मैं नहीं बनाता हूँ, मनुष्य के जीवन का इतिहास तुम्हें बताता हूँ। मैं समय हूँ, आदिकाल से सृष्टि पर राज मेरा, भूतकाल भविष्यकाल है वर्तमान और आज मेरा। न जाने किस जमाने में शुरू हुई ये 377 की कथा, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने में और कुछ नहीं रखा। वे कहते हैं समय की कोना सृष्टि के विपरीत है और 377 हटा देने में मानवता की जीत है। समय बदला दुनिया बदली, बदल गई सारी सृष्टि, अब समय आया है मानव बदले अपनी दृष्टि। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे दूल्हे का ही मान सम्मान इतनी इज्जत दे रहे हैं और आप हमारे बच्चों को मानसिक रोगी बता रहे हैं। देखिए रोगी है या नहीं वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे लोग का बीमा कराना हमारे धर्म की बातें करेंगे जी करेंगे भाई जी। अरे पंडित जी कौन से धर्म की बात कर रहे हो आप भाई? जिस धर्म में लेडीज को पीरियड्स के टाइम पे मंदिरों मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं है उस धर्म की बात कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, आपकी शादी तो एक लड़की से हुई होगी? जी बिल्कुल। तो क्या आपके माँ बाप ने आपको बचपन में सिखा दिया था कि बेटा लड़की देखियो तो कूद खड़ी हो सिखाया था? देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं, हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था और हमने उन्हीं से विवाह कर लिया। प्यार विवाह? अच्छा हाँ बेटा जी, प्यार करता है नहीं करता अजीत से? हाँ जी ताई जी, बिल्कुल पूछने वाली बात है क्या? तो पंडित जी ये बच्चे भी तो प्यार ही करते हैं, दूसरे से इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? देखिए इनके बीच प्यार हो या ना हो विवाह वो नहीं होगा। और पंडित जी क्यों नहीं करवा सकते हम इन बच्चों की शादी? देखिए प्रकृति के खिलाफ है इसलिए नहीं करा सकते शादी। बेटर बेटर जरा चाय कॉफी देना पंडित जी को। जी मैं चाय लूंगा। तुम कॉफी पिलाओ। जी मैं चाय लूंगा। कॉफी दो यार। जी मैं चाय पीऊंगा क्योंकि ये मेरी मर्जी है। तो पंडित जी इन बच्चों की भी तो मर्जी है। वाह क्या उदाहरण दिया है आपने भाई। मैं चाय कॉफी दोनों भी तो पी सकता हूँ। इस दुनिया में बाइसेक्सुअल लोग भी होते हैं।
आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया की 80% आबादी बाइसेक्सुअल होती है। यकीन तो होने रहा होगा आपको। जी नहीं नहीं, आप तो ठहरे बड़े धर्म के ज्ञाता, साइंस में यकीन नहीं होंगे। एक काम करिए, गूगल पे जाके किनसे टेस्ट करवा लो, यकीन हो जाएगा। देखिए, हम कोई किनसे टेस्ट नहीं कराने वाले, और इनका विवाह वो तो कतई ही नहीं होगा। चाहे तो किसी मौलवी या पादरी को भी बुला लो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका धर्म भी इस चीज की इजाजत नहीं देगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आप कौन? हम पॉम्पा जा सेलर में। काम क्या है वो बताओ। अपनी कुंडली लिखवानी है। दक्षिणा लाए हो? मौसा लगते हैं। तो मौसा जी, होमोसेक्सुअल लोगों की शादी करा रहे हैं, इल्लीगल काम करा रहे हो। हाँ भाई, चलो जल्दी चलो मशीन पर डाले तुम सबको, चलो। बताता हूँ आप सबको, एलजीबी लैंड की सुंदर सुंदर जगह
रहा हूँ, वो देखो सामने, वो है ताज महल जो मुमताज की गर्लफ्रेंड ने बनाया था उसके लिए। ओ मैडम, ना मैं छोटा बच्चा हूँ ना मैं अकल का कच्चा हूँ, भाई ये वो जगह है जहाँ दोनों ने अपने इश्क को दीवारों पर चिनवाया था, और ये एलजीबी लैंड का ताजमहल है जो मुमताज की गर्लफ्रेंड ने बनवाया था। अरे भाई पहले एक बात बता, एक औरत दूसरी औरत से इतना प्यार कैसे कर सकती है कि शाहजहां की तरह ताजमहल बनवा दिया? ऐसा तो नहीं होता हमारी दुनिया में। आपकी दुनिया में ऐसा नहीं होता? जी नहीं। और आपकी दुनिया में ऐसा नहीं होता? ओ मुझे लग रहा है आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, और ये है यहाँ का लवर्स पार्क, देखो लवर्स किस कर रहे हैं। मैडम लड़की लड़की लड़का लड़का, अरे हमारे वहाँ तो बड़े प्यार से लड़का लड़की किस करता है, ये क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, आई थिंक योर मेंटल कंडीशन इज नॉट फाइन। ओए अपोजिट सेक्स के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप रखना है बहुत बड़ा क्राइम। इधर आओ दिखाता हूँ। मैडम सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी में आज आप देखेंगे एलजीबी पार्क में दो हेटरोसेक्सुअल की हुई पिटाई। नमस्कार, आज का दिन एलजीबी लाइन के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट 733 की वैधता पर फैसला सुनाने जा रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। पापा वो आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। पापा जैसे आपको डैडी पसंद आए थे ना, नमस्ते डैडी, वैसे ना मुझे भी कोई पसंद आ गया है। मतलब हमारे घर में भी अब दामाद आएगा? पापा, पापा, पापा। अरे बेटा नाम क्या है, रहता कहाँ है, काम क्या करता है, कुछ तो बताओ। पापा वो उसका नाम आकृति है। लड़के का नाम आकृति? नहीं पापा वो लड़का नहीं लड़की है।
प्रकृति के खिलाफ है ये। पंडित जी आप सीधे हाथ से लिखते हैं या उल्टे हाथ से? जी मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ। बचपन से देखिए मेरी माँ कहा करती थी कि पहले मैं उल्टे हाथ से लिखता था, फिर उन्होंने मुझे समझाया सिखाया, फिर मैं सीधे हाथ से लिखने लगा। आपको बचपन में लेफ्टी से राइटी बना दिया गया, ये नेचुरल है या समलैंगिकता? Take 733 back. It is unconstitutional and it is unjust. हमें हक है लोगों से उनके मौलिक अधिकार ले लेने का और उन्हें नॉन एग्जिस्टेंट बना लेने का। But this is the case of society. Ma'am, all humans are social animals. And even animals have homosexuality. Penguins, dolphins, etc. हम शादी क्यों करते हैं? सेक्स के लिए या अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए? It's really important for us to understand that love and procreation are two different things. Homosexuality कोई बीमारी नहीं है। It's just a choice or a trait that two individuals get attracted towards each other. अब जहां तक बात रही bisexual लोगों की, bisexual लोग वो नहीं होते जो लड़का और लड़की दोनों के साथ sexual संबंध बनाए। Bisexual लोग वो होते हैं who are attracted towards both the sexes in any way how, need not be sexual. जितना हक हमें है अपनी जिंदगी को जीने का उतना ही हक उन लोगों को भी है। कोई भी 377-733 या पार्लियामेंट हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकता। और इसी के साथ ये थी देशबंधु ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रस्तुति नाज।